हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए। जैसा कि नाम में ही है, सीएसीएस सीएमए, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरी सीएमए। आज उस जर्नी के पहले पड़ाव में हम इकोनॉमिक्स पेपर, बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीए फाउंडेशन में ये पेपर नंबर 4 है, उस पेपर को मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसा पेपर पैटर्न आएगा, पास्ट ईयर कैसा था, कितना परसेंटेज है। आपको मैं एक बात बताऊं बच्चों, सीएमए या सीएमए कुछ सीएस कुछ भी दे रहे हैं, सीएमए सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स एक बढ़िया वेटेज वाला, अगर आपको एग्रीगेट बनाना है तो इकोनॉमिक्स एक बढ़िया सब्जेक्ट होता है। आराम से आप 80-90-95 मार्क्स लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे पहले पड़ाव में कि जो हमारा ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंजेज है। तो सर, ये ओल्ड सिलेबस क्या है और न्यू सिलेबस क्या है। देखिए, 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने न्यू सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है। तो जो पुराने 1 जुलाई से पहले जिनका रजिस्ट्रेशन रहा होगा, वो ओल्ड स्कीम में बच्चे होंगे। जिनका लास्ट एग्जामिनेशन कब है, दिसंबर 2023 ही उनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो उसमें जो पेपर था इकोनॉमिक्स, वो भी पेपर नंबर 4 था, और न्यू सिलेबस में भी क्या है, पेपर नंबर 4। तो दिसंबर 2023 में जो पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें और ये जो पेपर है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है मार्क्स को लेकर। देखिए, 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन 60 मार्क्स इकोनॉमिक्स है और आपका 40 मार्क्स बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। जो किसके लिए, अगेन रिपीट, ध्यान देना, जो बच्चे दिसंबर 2023 में पेपर देने जा रहे हैं, उनका पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है, जिसमें इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है और आपका बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स का है। तो जो दिसंबर 2023 में, मैं पहले बात कर रहा हूं दिसंबर 2023 के बच्चों के लिए, उनको जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और माइनस मार्किंग होंगे 0.25, माइनस एक गलती पे 0.25 आपसे कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था दिसंबर 2023 के लिए। लेकिन जो सर नया सिलेबस आया है, 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका पेपर कब होगा बच्चों, उसका पेपर होगा हमारा मई-जून 2024 में। ठीक है, यानी कि जून नेक्स्ट ईयर 2024, मई और जून 2024 में पेपर होगा। तो अब क्या चेंजेस किया इंस्टीट्यूट ने, क्या किया कि आपको जो पेपर नंबर 4 है, वो पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का कर दिया। बात समझ में आ गई। दिसंबर 2023 वाले जो बच्चे पेपर देंगे, ध्यान देना, उनको जो पेपर नंबर 4 होगा, उसमें 60 मार्क्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। लेकिन जो बच्चे मई-जून 2024 में पेपर देंगे, वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स किसका होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा। यानी कि सर, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता, उससे आपको छुटकारा मिल गया है, आपको उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, तो सर क्या हमारा अभी भी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएंगे? यस, आपका पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा, 100 मार्क क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के, ईच मार्क्स 1 मार्क के ईच क्वेश्चन होंगे। क्या सर निगेटिव मार्किंग होगी? यस, निगेटिव मार्किंग्स भी होगी। निगेटिव मार्किंग का मतलब माइनस आपको 0.25 एक गलती पे काटा जाएगा। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के टीचर ने आपको बताया होगा कि अकाउंट्स और आपका बिजनेस लॉ पार्टली ऑब्जेक्टिव, लेकिन मोस्टली क्या है, डिस्क्रिप्टिव, और इकोनॉमिक्स और मैथ्स आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, दिसंबर के बारे में बता दिया। जून जो हमारे 2024 में पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, अगेन आपके पास क्या होगा, पेपर नंबर 4 अब 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और निगेटिव मार्किंग होगी, अगर एक गलत करते हैं तो -0.25 होगा मार्क्स। तो अब देखते हैं बेटा सिलेबस को, आपको करना क्या। देखिए, सीए करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव समझना होगा। आपको ना एक मैं वेटेज दूंगा, जैसे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल पे
इंस्टीट्यूट ने एक बता रखा है कि आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, कितने परसेंट आपको नॉलेज, कितना परसेंट आपको एप्लीकेशन वाली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन में भी कहते हैं कि आपके पास जो नॉलेज हो एप्लीकेशन वाली, एप्लीकेशन का मतलब कि आप इस चीज को कहीं अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात देखिए इस पेपर में, पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स में, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और कैसा क्वेश्चन आएगा। कहते हैं ऑब्जेक्टिव, पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पूरे अच्छे से समझना है। थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, जितनी थियरीज है उसको समझना है आपको, एंड अक्वायर द एबिलिटी टू फॉर एड्रेसिंग एप्लीकेशन ओरिएंटेड इशू। मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि फाउंडेशन में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें 70-80% अलग अलग सब्जेक्ट का वेट बता रखा है कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप होगा कि हमें अंडरस्टैंड करना है जितने कॉन्सेप्ट हैं। दूसरा, इकोनॉमिक्स में थियोरीज हैं उनको हमको समझना होगा, वो क्या थियोरी कह रहे हैं। अब इन दोनों को जब हम समझ लेंगे तो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे पास कोई सिनेरियो हो, कोई इशू हो एप्लीकेशन बेस्ड, उसको हम समझ सके और उन थियोरीज, उन कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सके, अप्लाई कर सके। तो बात समझ में आ गई होगी कि आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, समझ में आ रही बात, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, थियोरी को, उन दोनों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर इतनी एबिलिटी आ जाए कि हम क्या कर सके, अप्लाई कर सके, ठीक है। अब इसको देखो, कंटेंट तो आप स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा। अभी मैं सीए फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा हूं, सीएस और आपका सीएमए का अलग से आपको सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। तो आपके स्टडी मटेरियल में आपको हर सब्जेक्ट में ये बात समझनी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, स्टडी मटेरियल में खूब सारे चैप्टर दे रखे हैं, कंटेंट दे रखे हैं, मैं उसको ऐसे कहता हूं जो पुराना सिलेबस था, मतलब कि जो दिसंबर 2023 में जो बच्चे पेपर देंगे उनको इकोनॉमिक्स में केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। जो दिसंबर 2023 में बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको केवल और केवल क्या देना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। लेकिन जो अब बच्चे आएंगे जो जून 2024 में पेपर देंगे उनको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ना है बच्चों। क्यों ऐसा, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका पहले जो पुराना सिलेबस था वो सीए इंटर में डाल रखा था, और किस सब्जेक्ट के साथ डाल रखा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। सोच के देखो क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स था और उसे उठाकर सीए फाउंडेशन में लेकर आ रहे हैं। रीजन क्या है बेटा, मैं जब पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ध्यान देना इकोनॉमिक्स नहीं, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हम यहां समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स कैसे डिसीजन मेकिंग का काम करता है हमारी बिजनेस एनवायरमेंट में, हमारे डिसीजंस में। लॉन्ग टर्म डिसीजंस हो गया, कैपिटल बस्टिंग हो गया, आपके पास डिविडेंड डिसीजंस हो गए, सॉरी मार्केटिंग में मार्केटिंग डिसीजंस हो गए, सेल्स के डिसीजंस हो गए, उन सबको हम बारी बारी समझेंगे। दैट्स व्हाई मैक्रो को यहां लेकर आया। तो क्या क्या पढ़ना है हमको, तो सबसे पहला चैप्टर जो आएगा, कंटेंट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। सॉरी यहां हमको समझने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स, पहले इकोनॉमिक्स समझेंगे फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स समझेंगे, है तो इकोनॉमिक्स ही, बिजनेस के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बेसिक प्रॉब्लम, अरे सर हमने बचपन में पढ़ा है, बचपन का दिन याद है, 11th सर ने आपको पढ़ाया होगा, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद आ गया, बस वही है ये बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स और रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। फिर हम बढ़ेंगे आगे सेकेंड चैप्टर, अरे सर ये हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर, कौन सा वाला चैप्टर, थियरी ऑफ डिमांड, ठीक है, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं बच्चों बस ये अभी बता रहा हूं, लेकिन जो हम आपको नोट्स देंगे, बुक देंगे, उसको दो पार्ट में बांटेंगे माइक्रो को, अभी मैं आगे डिस्कस करता हूं, बताता हूं। तो दूसरा जो चैप्टर है, टॉपिक है आपका, वो पढ़ना है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। सर हमने ये भी पढ़ा है, देखो पढ़ा तो आपने सब है 11th 12th,
बट यहाँ पे थोड़ा सा और डीप जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बिलीव मी मेरा साथ देंगे आप, आराम से 90, 95, 96 मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। फिर पढ़ेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। पहला चैप्टर क्या था, इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ोगे, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एंड ऑल, पहला। सेकंड जो यूनिट दे रखा है स्टडी मटेरियल के हिसाब से अभी मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, डिमांड पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, और तीसरा सप्लाई। तो हमने देखा कि थ्योरी ऑफ डिमांड में आप डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई, ये हम अभी इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो यूनिट आएगा आपका, वो यूनिट होगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे बच्चों, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, आपके पास मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है सारे फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को पढ़ेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन। आपके 11th में थोड़ा बहुत आप लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन लिया होगा, यहाँ हम और डिटेल जानेंगे। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों से विनती करूंगा बच्चों, कि जो आपने 11th 12th में पढ़ा था ना, उसको ये मान के क्लासेस कोई भी, चाहे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ्स, कुछ भी, तभी करिएगा कि मैं नए सिरे से सीखने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यूनिट नंबर 3। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4, क्या होता है इसके अंदर, हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यूजिंग गेम थ्योरी टू स्टडी ओलिगोपोली। देखिए ये एक नई चीज आ गई बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है गेम थ्योरी। ये मैं बड़ा थैंक्स करता हूँ ICAI को कि गेम थ्योरी को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, जबकि ये पढ़ाया जाता है MA इकोनॉमिक्स में जाकर गेम थ्योरी को, ठीक है। तो ओलिगोपोली में ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं, आप इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा आपको गेम थ्योरी के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस डिटरमिनेशन इन दिस मार्केट, प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट है क्या सर, आपने बचपन में पढ़ा होगा सारा वो कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, गेम थ्योरी को समझेंगे एंड ऑल। फिर नेक्स्ट जो यूनिट आती है, तो यहां तक जो आपके पास है बच्चों, ये क्या क्या हो जाएगा, माइक्रो का पार्ट। फिर हमारा जो नेक्स्ट 5th यूनिट आता है, वहां से स्टार्ट हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पहला चैप्टर आएगा, अगेन आपने 12th में पढ़ा होगा, क्या, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जितने भी आपने पढ़े थे उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या आता है, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, और ये एक और बेहतरीन शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, इंट्रोड्यूस किया इंस्टीट्यूट ने, बहुत बढ़िया सिलेबस तैयार किया है बच्चों, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और किन्स थियरीज, 2 सेक्टर बेसिक मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। 12th में आपने एक या 2 सेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस 6th यूनिट, बिजनेस साइकिल, मीनिंग, फेजेस, फीचर्स, कॉजेस बिहाइंड दिस साइकिल्स। अच्छा, उसके बाद जो इंट्रोडक्शन हुआ है बेटा, देखो जो आपका 5th यूनिट है उसी से ही नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब नया क्या था, 7th यूनिट जो आप पढ़ेंगे उसमें आप लोग पढ़ेंगे बेटा पब्लिक फिनांस, फिजिकल फंक्शंस, फिजिकल फंक्शन, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस, मार्केट फेल्योर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेल्योर को समझने, ये भी शानदार टॉपिक है। हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, फिजिकल पॉलिसी जिसमें टैक्सेशन पॉलिसीज है, मनी मार्केट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी, मनी सप्लाई, और एक जो शानदार सब्जेक्ट आपको टॉपिक लाके आपके इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, शानदार मैं कहूंगा टॉपिक है, वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड।
अब इंटरनेशनल ट्रेड में नया क्या है, सर हमने पहले भी कुछ चीजें पढ़ी हैं और कुछ चीजें नई ला के डाला है, कंसेप्ट ऑफ मनी सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड में थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडिंग थियोरीज ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बाय क्रूडमेंट, ठीक है, इसको समझेंगे, ये नई चीज है आपके लिए, ट्रेड पॉलिसीज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड निगोशिएशन, एक्सचेंज रेट आपने पढ़ा है, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत ही शानदार बच्चों, भविष्य के लिए भी बहुत शानदार। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से क्या पढ़ना है आपको, बिफोर 95 50 चाणक्य को पढ़ना है, नंदवंश, और क्या पढ़ना है बेटा, बेसिक नॉलेज आफ्टर 1991। तो ये तो आपका इंस्टीट्यूट के हिसाब से सिलेबस डिसाइड है, अगर मुझे इसको डिसाइड करना हो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, इस पे ध्यान देते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। हमें जो पढ़ना होगा वो हम कैसे पढ़ेंगे उस पे हम एक बार फोकस करते हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। देखिए हम जब पढ़ेंगे तो इसको बेटा ये नोट करेंगे आप लोग, दो पार्ट में बांटेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो तो एज इट इज, जो जैसे था वैसे ही है, पुराने सिलेबस से नए सिलेबस में, बस मैंने कहा गेम थ्योरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और ये जो मैक्रो पूरा का पूरा सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ अगर कोई आपसे कहता है कि सर ये जो सीए फाउंडेशन था सीपीटी में माइक्रो था लेकिन इतना नहीं था बेटा जो अब सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, 100 मार्क्स का पेपर लाया, बड़ा शानदार। तो माइक्रो में जब हम पढ़ेंगे बेटा तो सबसे पहला हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, ये तो हमको पढ़ना पढ़ना है, ये आप लोग इंट्रोडक्शन। सेकेंड रहेगा बेटा हम पढ़ेंगे यूटिलिटी थियरी, जिसको हम लोग कहेंगे बेटा कंज्यूमर कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे डिमांड की थियरी, फिर फोर्थ हम पढ़ेंगे, देखो जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं वैसे ही हमारी क्लासेस चलेंगे, डिमांड थियरी, फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन, आपके सिलेबस को मैंने बता दिया लेकिन जो हमारा पैटर्न होगा हम कैसे पढ़ेंगे और मैं जस्टिफाई करूंगा क्यों, प्रोडक्शन, फिफ्थ कॉस्ट की थियरी, थियरी ऑफ कॉस्ट, फिर हम पढ़ेंगे मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन, एंड आखिर में हम पढ़ेंगे बच्चों सप्लाई, ठीक है। ये हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का, इंट्रोडक्शन में हम सारी चीजें डिडक्टिव इंडक्टिव सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम डेफिनेशन सारी थियरीज को हम पढ़ेंगे, यूटिलिटी थियरी में हम लोग पूरा आपको कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंस कर्व एनालिसिस इंटेलिटी एनालिसिस कंज्यूमर सरप्लस सब कुछ है आपके सिलेबस में जो आप 11 12 में नहीं था। डिमांड थियरी में सारी बातों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के अंदर पूरा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, कॉस्ट जब पढ़ लेंगे मार्केट को समझ लेंगे प्राइस को डिटरमाइन कर तभी तो सप्लाई करोगे बेटा। अगर इसको बात करें ना तो ये तीन चैप्टर जो होते हैं ना बेटा कंज्यूमर का बिहेवियर कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है किसी गुड्स को परचेज या परचेस करने में, ठीक है, उसका बिहेवियर पैटर्न करता है, क्यों परचेस करता है, क्यों किसी गुड्स को वो परचेस करता है और क्यों चाहता है, उसकी नीड क्या है, क्या वो अगर प्यास लगी आपको तो कोई पानी पी लोगे, नहीं ना। तो उस पैटर्न को समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को इंट्रोडक्शन यूटिलिटी और डिमांड थ्योरी तक पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोड्यूसर का भी अपना बिहेवियर होता है कि अगर वो प्रोडक्शन करना चाहता है तो कैसे प्रोडक्शन करे, क्या मशीन लगाए, लेबर लगाए, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करे, उसके पास उसको कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट को कैसे करे, किस मार्केट में सेल करे, कैसे प्राइस को डिटरमाइन करे कि उसको रेवेन्यू मिला है, तब तो वो सामान को क्या करेगा, बेचेगा, सप्लाई मीन सेल। अगर डिमांड को हम परचेस कहें तो सप्लाई को हम सेल कह सकते हैं। तो दैट्स इट। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। तो इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, एक तो कंज्यूमर बिहेवियर, मैंने आपको इंस्टीट्यूट का सिलेबस दिखाया, हमारे पढ़ने का पैटर्न ये होगा, हम पहले अपने आप को समझेंगे हम क्यों खरीदते हैं और ये प्रोड्यूसर कैसे बनाता है, क्या प्राइस डिसाइड करता है और कैसे वो सामान को सेल करता है। फिर इस वाले पार्ट में हम मैक्रो पढ़ेंगे, वही नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड्स, मनी, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, फिर हम लोग बात करते हैं कि आपको मैंने बताया जैसे कि ऑब्जेक्टिव है माइनस मार्किंग है,
आपको क्या करना है, हम सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, हमें सेंड करेंगे, हम उसे रीचेक करेंगे, हम आपके लिए रेगुलर टेस्ट होगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे, आप हम जो अगर दो कदम चलेंगे आप भी तीन कदम चलेंगे, तो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर बाहर निकलेंगे आप लोग। थैंक यू।